बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे जी आपकी बुक के एग्जांपल और शायद एक असाइनमेंट। तो देखते हैं जितना टाइम होता है और जिस ऑर्डर से चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल तो हम डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी एग्जांपल 2.2 ऑफ द बुक। अच्छा जी, तो चले स्टेटमेंट लिखते हैं जी। Two forces F1 is 50 Newton making an angle theta1 is 70 degrees with the positive x-axis. तो एक फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, दैट इज 50 न्यूटन, और ये एंगल बना रहा है थीटा 1, विच इज हाउ मच, दिस इज 70 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी। एंड अ फोर्स F2 मेकिंग एन एंगल थीटा 2 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो F2 एक एंगल, एक दूसरा वेक्टर है, फोर्स है, जिसका जो है मैग्नीट्यूड 25 यूनिट है और एंगल ये बना रहा है 220 डिग्रीज। ये दोनों एंगल्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। दे एक्ट द पॉइंट, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स FR। कैलकुलेट आपने करना है जी रिजल्टेंट फोर्स FR, और ये जो है एग्जांपल ये रिलेटेड है विद द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो अगर आपको मैं बताऊं, इफ दिस इज योर XY plane, for instance this is your Y axis, this is your X axis, तो first जो है 50 न्यूटन का वो ये है F1 है। ठीक हो गया जी। सिमिलरली F2 जो है तो 220 डिग्रीज बना रहा है, तो 220 डिग्रीज को लेट सपोज मैं इधर से फिर हेड टू टेल रूल से मैं अगर ऐड करके लिखता हूं, फॉर इंस्टेंस दिस इज योर F2। ठीक हो गया जी, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर लाई होगा ना, फिर मैंने यहां से उठा के इसको हेड पर रख दिया, तो By head to tail rule मैं इसको add कर रहा हूं और this is my resultant vector FR। ठीक हो गया, which is unknown। तो आपको पता है कि FR would be what? FR would be a vector FX, X component plus FY component। और आप इसको लिख सकते हैं FX magnitude into I unit vector plus FY magnitude into J unit vector। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं जी, Fx आपके पास क्या होगा, वेयर Fx वुड बी व्हाट, Fx वुड बी F1x प्लस F2x एंड Fy जो आपके पास होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हमने ऐड करना है ना, तो F1y प्लस F2y। समझ आई, बिल्कुल आई। तो क्या कर सकते हैं आप, और अब आप फाइंड करें जी F1 क्या होता है जी, x क्या होता है, x कंपोनेंट cos ऑफ थीटा होता है कि नहीं होता। सो F1x इज इक्वल टू F1 cos ऑफ थीटा 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। F1y क्या होगा, F1 sin ऑफ थीटा 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। F2x क्या होगा, F2 cos ऑफ थीटा 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। F2y क्या होगा, F2 sin ऑफ थीटा 2 होगा कि नहीं होगा। और ये मैं क्यों डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी गिवन है कि ये जो थीटास है, बोथ द एंगल्स आर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस, बोथ एंगल्स आर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। अगर इस तरह ना होता तो फिर मैं थीटा के ऊपर थोड़ा सा सोचता, लेकिन इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोचता क्यों, क्योंकि मैंने आपको पता था कि अगर y एक्सिस के साथ एंगल हो तो फिर y कंपोनेंट में cos थीटा आता है, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, तो ये तो आपको ऑलरेडी समझ आती है जी। तो F1 क्या है जी, 15 cos of 70 degrees, 15 sin of 70 degrees, F2 है जी 25 cos of 220 degrees, और फिर 25 sin of 220 degrees। तो इससे क्या आ जाएगा जी, cos of 70 से आएगा जी, चले इन्होंने नहीं लिखा हुआ लेकिन हम चले मालूम करते हैं। cos of 70 से देखे जी, कैलकुलेटर किधर है, cos of 70 degrees, cos of 70 से आता है जी 0.342 समथिंग। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जी 0.34, और फिर इसको जो है तो मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, तो आपके पास जो है x कंपोनेंट आ जाएगा, विच वुड बी 5.13। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। अब sin of 70 degrees फाइंड करें, तो sin of 70 is 0.94, 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.94, इससे क्या आएगा जी, इससे आता है 14, चलिए 14.1 लिखते हैं, 14 ही लिखते हैं, चलिए 14 न्यूटन। ठीक हो गया जी। फिर F2x के लिए cos of 220 degrees,
इससे आता है -0.76. सो 25 मल्टीप्लाई -0.76, सो दिस वुड बी व्हाट, -19.15 इज -19.15. जो भी आप करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स तो आपको पता है ना जी, राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी आपको पता है, वो आप खुद कर सकते हैं. साइन ऑफ 220 इज -0.64. मल्टीप्लाई इट विद व्हाट, विद 25, यू गेट -16. -16 ही चलेगा, डेसिमल प्लेस को गोली मार. ठीक हो गया जी. तो ये आपको x कंपोनेंट्स आ गए, y कंपोनेंट्स आ गए. अब आप क्या कर सकते हैं जी, fx जो होगा वो क्या होगा जी, fx फोर्स का x कंपोनेंट जो होगा दैट वुड बी f1x प्लस f2x. तो करें जी, f1x इज 5.13, f2x इज -19.15. क्या आता है जी इससे, डायरेक्टली देखे बुक से, This would be -14.02 न्यूटन. ठीक हो गया जी. फिर f का y कंपोनेंट वुड बी व्हाट, इट वुड बी f1y प्लस f2y. सो करे जी, दिस इज 14 माइनस 16, दिस इज -2 न्यूटन, या 1.98 टू बी एग्जैक्ट. आप जो भी कर दे जी वो आप खुद से करें. अच्छा, अब नेक्स्ट आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो चले पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्या फॉर्म क्या होगा, द रिजल्टेंट वुड बी एफ एक्स माइनस 14.02 विद आई यूनिट वेक्टर, और फिर -2 विद जे यूनिट वेक्टर, न्यूटन इसका यूनिट आ गया. ठीक हो गया जी. फिर मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 14.02 का स्क्वायर्ड और प्लस फिर -2 का स्क्वायर्ड एंड होल अंडर द रूट. इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है जी, 14.16 न्यूटन, 14.16 न्यूटन. और वेक्टर फॉर्म आ गया, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन. डायरेक्शन किस तरह होगा, थीटा से, टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, -14.02. ये आपको एंगल दे रहा है जी, कितना है, 7.97 डिग्रीज. अब देखे, पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज में है, और विद रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट एक्स एक्सिस है. तो इसका जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस है वो क्या है, देखें ये फोर्थ क्वार्टर में है कि नहीं है, बिल्कुल है. तो ये क्लॉकवाइज और नियरेस्ट एक्स एक्सिस माइनस एक्सिस है. तो ये एंगल आपको गिवन है थीटा, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल एंगल है वो तो यहां से होगा जी, थीटा आर तो ये होगा. तो थीटा आर में किस तरह फाइंड करूंगा, दैट वुड बी 180 डिग्रीज प्लस थीटा. So, मेरा जो रिजल्टेंट का एंगल है दैट वुड बी थीटा प्लस 180 डिग्रीज, विच इज इक्वल टू 187.97 डिग्रीज. और बस इतनी सी बात थी जी, इतनी सी बात थी. एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आपको गिवन है F1 माइनस F2, अब फाइंड करें. अगर रिजल्टेंट फोर्स हो, एक्सटेंशन एक्सरसाइज इसी के साथ एक एक्सटेंशन है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स F1 माइनस F2 हो तो क्या होगा जी. अगेन ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होंगे, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो F1x माइनस F2x होगा, और जो Fy होगा वो F1y माइनस F2y होगा जी. तो करें जरा, 5.13 और प्लस 19.15 आ जाएगा, 5.13 प्लस 19.15, और इधर से क्या आ जाएगा जी, 14 प्लस 16 से तो 30 आ जाएगा, और 5.13 प्लस 19.15, तो ये मैं ऑलरेडी इधर अपने लिए कर चुका हूँ जी, 24.28 इससे आता है. तो अब देखिए, वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल. रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो होगा जी 24.28 I यूनिट वेक्टर और प्लस 30 J यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड इसका आप फाइंड कर सकते हैं, किस तरह करेंगे जी, 24.28 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होल अंडर दी रूट. इससे क्या आता है जी, मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा 38.71 न्यूटन, 38.71
0.71 न्यूटन, और जो डायरेक्शन होगी थीटा वो होगी जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 30/24.28, और इससे आता है जी कितना 51.16 डिग्रीज। और देखिए ये जो है फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। समझ आ गई जी? बिल्कुल आ गई। ये F1 minus F2 है, और दूसरा जो है आपको एक गिवन है कि आप F2 minus F1 करें। तो ये चले आपका होमवर्क हो गया, ये आप खुद करें। मैं इस वीडियो में एक एग्जांपल, एक असाइनमेंट सॉल्व करता हूँ जी, जो कि है असाइनमेंट नंबर 2.2। असाइनमेंट नंबर क्या है जी? 2.2 है। अच्छा, क्या कह रहे जी? अ फोर्स F1 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्रीज। F1 एक फोर्स आपको गिवन है 20 न्यूटन का, और ये एक एंगल बना रहा है थीटा 1 30 डिग्रीज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और फोर्स F2 है 30 न्यूटन का। F2 इज अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 2 विद 150 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्टिंग एट अ पॉइंट कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। तो देखें, ये बेसिकली किस तरह है जी? ये बेसिकली है इस तरह। ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ठीक हो गया? तो इसको मैं उठा के इधर बनाता हूँ, लेट सपोज इस तरह से, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जी? ये आपका फॉर इंस्टेंस आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये F1, ये F2। अगेन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड करना है, तो द सेम किस तरह करेंगे? रिजल्टेंट जो होगा that would be fx plus fy, where fx would be what? F1 cos of theta 1 plus F2 cos of theta 2. Directly इस तरह भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल ठीक। और y component जो होगा, तो उसके लिए F1 sin of theta 1 plus F2 sin of theta 2. करें जी, जरा करें जी। वैल्यूज मेरे ख्याल में इधर मैंने नहीं लिखी हुई है, हाँ जी नहीं लिखी हुई, तो चले चले करते हैं जी, खुद करते हैं। 20 इंटू कॉज ऑफ 30 पर प्लस 30 इंटू कॉज ऑफ 150, ये एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और पर F1 साइन ऑफ थीटा, 20 साइन ऑफ 30 और पर 30 साइन ऑफ 150, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जी इन वेक्टर फॉर्म। तो करें जी जरा, क्या आता है जी? कॉज ऑफ 30 से पहले करें, कॉज ऑफ 30 डिग्रीज इज 0.86 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज 17.32 प्लस कॉज ऑफ 150 is negative 0.86 multiplied by 30, इससे आता है negative 25.98, मैं इसको negative 26 लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा जी I unit vector, और plus ये क्या आएगा जी? sine of 30.5 multiplied 20 would be 10, and then plus sine of 150, sine of 150 is 0.5 again, or multiplied by 30 would be 15. तो ये करें, दिस वुड बी विद द जे यूनिट वेक्टर। तो इन द वेक्टर फॉर्म आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जी, क्या होगा? 17.32 माइनस 26 इज नेगेटिव 0.86 विद आई यूनिट वेक्टर, और प्लस 25 विद जे यूनिट वेक्टर, तो वही हुआ। इसका मतलब दिस इज लाइंग इन द सेकंड क्वार्टर। इसका मैग्नीट्यूड आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? नेगेटिव 0.86 होल स्क्वायर्ड प्लस 25 होल स्क्वायर्ड अंडर द रूट। तो ये मैं डायरेक्टली करता हूँ कैलकुलेटर से जी, 8.6 स्क्वायर्ड प्लस 25 स्क्वायर्ड अंडर द रूट, दिस गिव्स यू 26.43 न्यूटन। इसका जो एंगल होगा आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। थीटा वुड बी व्हाट? थीटा वुड बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 25 अपॉन नेगेटिव 0.86। क्या आता है जी? टेंजेंट इनवर्स 25 अपॉन नेगेटिव 0.86 आता है, 8.6, यस।
तो इससे आता है जी -71 degrees. ये जरा मैं कैलकुलेट करूंगा जी. यस दिस -0.86 सही, -71 degrees. अब देखिए माइनस है तो इंदी, माइनस है तो पॉजिटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज होता है. ये मैंने गलत लिखा है जी. पॉजिटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस है तो क्लॉकवाइज. यस माइनस है तो क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब ये जो एंगल आपको दे रहा है ये एंगल, ये थीटा है जी. लेकिन हमारा एक्चुअल एंगल तो ये है जी थीटा आर. और ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि थीटा आर प्लस थीटा ओवर हेयर इज व्हाट, ओवर हेयर इज 180 degrees. तो इसका मतलब जो मेरा थीटा आर है वो 180 से माइनस करे 71 डिग्रीज को, तो दिस वुड बी माय थीटा आर. सो प्लीज फाइंड इट आउट, 180 माइनस थीटा आर इज 71 डिग्रीज, दिस इज 109 degrees. समझ आई? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड पे ये एग्जांपल्स और असाइनमेंट बेस्ड है. और इसमें आप क्या करते हैं जी कि पहले आप एक का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं, फिर दूसरे का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं, फिर एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ जब ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट आपको मिल जाता है. और फिर क्या होता है, फिर आपको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं. और थीटा का मैं बाकी रूल्स आपको समझा चुका हूँ. इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. नेक्स्ट जो एग्जांपल और असाइनमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.